टॉपिक है लता मंगेशकर अब नहीं रही, हमने क्या सीखा। बिल्कुल, और आपको पता ही होगा जैसे कि लता मंगेशकर बहुत बड़ा नाम है बर्रे सगीर का, ना सिर्फ इंडिया का, पूरे बर्रे सगीर का, इवन पूरे वर्ल्ड का मैं कहना चाहूंगा, बहुत बड़ा नाम है। इन्होंने बहुत सारी लैंग्वेज में और गाने गाए हैं एक तरह से, और नाथ भी पढ़े हैं इन्होंने। इन्होंने इनका पहला नाथ जो हमने सुना था और शिवानी ने अटैम्प भी किया था, पढ़ा था, वो बेकस पे करम कीजिए सरकारे मदीना, वाक्य में वो वाक्य में सुन के एकदम तसल्ली या सुकून आ जाता था। और 6 या 7 साल की उम्र में शायद इन्होंने फर्स्ट टाइम गाना गाया था, 5 साल की एज में गाया था, स्टेज परफॉर्मेंस कर करी थी 5 साल की एज में। और अब 92 ईयर्स की एज में आके ये चल बसी हैं लता मंगेशकर जी। तो बहुत बड़ा नाम है ये बर्रे सगीर का, और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने खुद जाके इनको वो दिया। और इवन बहुत बड़े बड़े नाम थे जो वहाँ पर आए हुए थे, शाहरुख खान और भी बहुत बड़े बड़े नाम थे जो वहाँ पर आए हुए थे। तो ऐसी ऐसी सोल होती हैं, आत्मा होती है, जिसको कहते हैं कि तुम जियो हजारों साल और साल के दिन हो 50,000, ऐसे कुछ करके। हाँ हाँ, तो मिफ्ताही साहब बता रहे हैं हमें लता मंगेशकर साहब के बारे में, तो स्टार्ट करते हैं। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे, अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। लता मंगेशकर, जिन्हें बुलबुले हिंद भी कहा जाता है, यानी हिंदुस्तान की बुलबुल, क्योंकि उनकी आवाज में बुलबुल जैसी नगमगी थी, मिठास थी, शीरीनी थी। लता मंगेशकर 28 सितंबर 1929 यानी 1929 को इंदौर में पैदा हुई और आज 6 फरवरी 2022 को 93 यानी 93 साल की उम्र में उनका इंतकाल हो गया, देहांत तो हो गया। कहानी खत्म हुई, और ऐसी खत्म हुई कि लोग रोने लगे तालियां बजाते हुए। जनवरी के शुरू में ही उन्हें कोरोना होने की शिकायत पर मुंबई के ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया था, एडमिट किया गया था, लेकिन अफसोस कि वो इस बीमारी से उभर नहीं सकी। उनके वालिद दीनानाथ मंगेशकर भी गुलोकार और अदाकार थे, यानी सिंगर और एक्टर थे, और लता मंगेशकर बचपन से ही गुलोकारी की तरफ यानी सिंगिंग की तरफ माइल थी। लता मंगेशकर ने 36 जबानों में यानी 36 लैंग्वेज में 50,000 से ज्यादा गाने गाए। वो 1971 से 1991 तक यानी 1971 से 1991 तक गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में रिकॉर्ड होल्डर के तौर पर उनका नाम शामिल रहा। लता मंगेशकर को बेशुमार यानी अनगिनत अवार्ड मिले, एजाज मिले। 2001 में उन्हें भारत का सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड भारत रत्न भी मिला। इसके अलावा पद्म विभूषण, महाराष्ट्र भूषण और दादा साहब फाल्के जैसे बड़े बड़े एजाज और अवार्ड उसमें शामिल है। भारत के पहले वजीर आजम जवाहरलाल नेहरू के बारे में ये मशहूर था कि न वो खुलेआम रोते थे, ना किसी का रोना पसंद करते थे। लेकिन 27 जनवरी 1963 को जब लता मंगेशकर ने ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी ये नगमा गाया, तो वो भी यानी नेहरू भी अपने आंसू नहीं रोक पाए थे। उनके बारे में कहा जाता है कि लता मंगेशकर ने एक मौलवी साहब से उर्दू भी सीखी थी जिनका नाम महबूब था। और एक वाकया उनके ताल्लुक से यह भी मिलता है कि 1962 में उन्हें स्लो पॉइजन यानी हल्का जहर देकर मारने की भी कोशिश की गई थी, जिसकी वजह से वो एक महीना बीमार भी रही थी। बाद में पता चला कि ये उनके एक नौकर, एक कुक का ही काम था, किसी ने इसी मकसद के लिए उन्हें लता मंगेशकर के घर भेजा था। फिर वो अचानक तनख्वाह लिए बगैर
गायब हो गया। बहरहाल ऐसी हजारों बातें हैं जो लता मंगेशकर के बारे में कही जा सकती हैं, लेकिन हमारा वीडियो बनाने का ये मकसद नहीं है, बल्कि हम ये इस मौत के जरिए ये बताना चाहते हैं, क्योंकि मौत से मौत याद आती है। मौत एक ऐसी हकीकत है जिससे कभी किसी को इख्तलाफ नहीं रहा, और जिसको भी इख्तलाफ रहा होगा वो भी आज इस दुनिया में नहीं है, उसको भी मौत आ गई होगी। अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में फरमाता है कि ऐ मेरे रसूल, उन लोगों से कह दीजिए कि जिस मौत से तुम भागते हो वो तुमको एक दिन आ पकड़ेगी, फिर तुम्हें उस परवरदिगार की तरफ ले जाएगी जो जाहिर व बातिन को, यानी हर छुपी और खुली बात को जानने वाला है, फिर वो तुम सबको तुम्हारे किए हुए काम जताएगा, यानी जो भी काम तुमने किए हैं अच्छे या बुरे उसका बदला देगा। हमें मौत को कसरत से यानी ज्यादा से ज्यादा याद करने का हुक्म है, इसलिए कि मौत को कसरत से याद करने के बिना पर दुनिया से उम्मीदें और ख्वाहिशें कम होती है, लालच कम होती है। बड़े बड़े रुस्तम और सोहराब इस दुनिया में आए और चले गए, अंजाम सबका आखिर मौत हुआ है। हुए नामवर बेनिशा कैसे कैसे, जमी खा गई आसमां कैसे कैसे। हमें भी एक दिन इस दुनिया से जाना है, इस दुनिया को खैर बाद हम भी कह देंगे, लेकिन हम मौत से पहले कई मौतें मर चुके होते हैं। कुदरती मौत तो सिर्फ ऐलान है हर मौत से आजादी का, इसलिए मौत से डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि मौत के बाद जो खुदा को मुंह दिखाना है बस उससे डरने की जरूरत है। याद रखे, जब रूह निकलने की शुरुआत होती है तो वो पैरों से होती है ताकि इंसान भाग न सके, और खत्म आंख पर होती है ताकि इंसान अपनी बेबसी देख सके। हमारी तो हमेशा, हर ईमान वाले की हमेशा ये दुआ होती है कि हमारा खात्मा, हमारा एन ईमान पर हो। किसी ने बड़ी अच्छी बात कही है कि ऐ मौत, तू तब आना जब मैं सजदे में रहूं, तुझे आने में मजा आए और मुझे जाने में मजा आए। मौत तो सबको आनी है, एक दिन सबको मरना है, लेकिन मरने से पहले ऐसे काम करके जाओ कि तुम तो चले जाओ लेकिन तुम्हारे काम और तुम्हारे आमाल से लोग तुमको याद करें, तुम्हारे अखलाक से तुमको याद करें। मरना तो सबको ही है, मौत उसकी है कि करे जिसका जमाना अफसोस। यूं तो दुनिया में सभी आए हैं मरने के लिए। मुझे उम्मीद है कि आज के वीडियो से हमें मौत की याद ताजा हो गई होगी। बस इस याद को ताजा रखें और खुदा के पास जो जाना है उसको याद रखें, ताकि हम अच्छे काम कर सके, अच्छे आमाल कर सके, अच्छे अखलाक बरत सके, और इंसानियत पर और ईमान पर हम टिके रहे। ठीक है, तब तक मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए, पूरी इंसानियत, पूरी मानवता के लिए और हमारे प्यारे मुल्क भारत के लिए और यहाँ की अमन शांति के लिए, तरक्की उन्नति के लिए खूब दुआएं करते रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाही व बरकातहू। आसान दीन चैनल को जरूर विजिट और सब्सक्राइब करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। इसमें आपको बहुत सारे मसाइल, फ़ज़ाइल, वज़ाइफ़ और दीन की बेसिक और बुनियादी मालूमात मिलेगी, और आप जो सवालात भेजेंगे संडे कमेंट बॉक्स के नाम से, हम उसको पिक करके आपके जवाबात आपकी खिदमत में पहुंचाएंगे। आप ज़रूर विज़िट करें। प्यारे भाइयों, अल्हम्दुलिल्लाह अरीबा टूरिज्म का पहला ग्रुप उमरा करकर इंडिया वापस लौट चुका है। तो जो लोग उमरा जाना चाहते हैं ग्रुप और इंडिविजुअल शक्ल में, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। 15 फरवरी को शबे मेराज का ग्रुप इंशाल्लाह अरीबा का रवाना हो रहा है। आप अगर उमरा जाना चाहते हो हमारे इन नंबर पर कॉन्टेक्ट कर। तो आपने भी अगर उमरा जाना हो तो आप उनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हाँ जी, तो लता मंगेशकर साहिबा के बारे में बात हो रही थी, कह रहे 36 लैंग्वेज में इन्होंने गाने गाए हैं। 36, आपको पता है इंडिया की ऑफिशियल लैंग्वेज है 22 शायद इंडिया की ऑफिशियल लैंग्वेज है 22। हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, इवन नेपाली को भी इंडिया ने काउंट किया हुआ है।
नेपाली भी इंडिया की कहते हैं ऑफिशियल एक लैंग्वेज है, आसमीज कन्नड़ और ये पता नहीं क्या। तो इन्होंने 36 लैंग्वेज में 50,000 से ज्यादा गाने गाए हैं 1971 से 1991 तक। ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में सबसे ज़्यादा गाने वाली की लिस्ट में थी। और जहाँ तक मेरे को लगता है कि इनका जो रिकॉर्ड टूटा है वो इनकी ही छोटी बहन आशा भोसले से ने तोड़ा है इनका रिकॉर्ड। अच्छा, जहाँ तक मेरे को लगता है कि वो उन्होंने ही अपनी बड़ी बहन का रिकॉर्ड तोड़ के वो नंबर वन पे आ गई सबसे ज्यादा गाना गाने की लिस्ट में, जहाँ तक मेरे को आइडिया है। हो सकता है, मैंने सुना था कहीं है, बट मैंने कंफर्म नहीं किया, तो आप बताना अगर आपको नॉलेज हो तो। हाँ, तो 1929 को इनका बर्थ हुआ था और ये प्रॉपर मतलब हिंदू फैमिली में, महाराष्ट्र में हिंदू फैमिली में थी। और उस टाइम ये ना जब अपना एक्सपीरियंस बताती थी ये, उस टाइम दिलीप कुमार साहब और पाकिस्तान की वो मशहूर एक्ट्रेस थी, हालांकि पूरी सब कॉन्टिनेंट की थी वो, मैडम नूरजहां, तो उनका बहुत दबदबा था। मतलब मैडम नूरजहां का बहुत दबदबा था, दिलीप साहब भी उस टाइम नए नए थे, तो लता मंगेशकर ने उनको देखकर या उनको सुनकर ही थोड़ा गाना वो किया, मतलब इम्प्रेस हुई लता मंगेशकर जी उनसे, इतना ज्यादा मैडम नूरजहां से भी इतना ज्यादा हुई, तो उनको सिंगिंग का उस तरफ से वो चढ़ा। और इनकी फैमिली में इनके फादर भी थिएटर करते थे, एक्टर थे, तो इसी लाइन में थे। तो जब घर में बाप या कुछ बड़ा घर में उस लाइन में होता है तो बच्चा भी उस तरफ ही जाता है, तो उस तरफ ये गई। और आज फिर 92 या 93 साल की एज में इनका निधन हो गया और बहुत ज़्यादा इन्होंने नाम कमाया। मैं देख रहा था वर्ल्ड के बड़े बड़े लीडर ने, इवन अमेरिका जैसी कंट्री के लीडर ने भी, अमेरिका हो गया, रशिया हो गया, और भी बहुत बड़ी बड़ी कंट्री के लीडर ने भी मैसेज किया है। और मतलब लता मंगेशकर के लिए, लता मंगेशकर हस्ती ऐसी है कौन नहीं जानता उनको, बिल्कुल बिल्कुल, वर्ल्ड में फेमस है वो, कहाँ कहाँ नहीं है उनको सुनने वाला, उनको अब तो याद भी करने वाले सब लोग ही हैं, क्योंकि उनके जो गाने हैं वो हैं ही इतनी मिसाल वाले कि बंदा कोई अगर थोड़ा सा भी सुन ले तो सुने बिना रह नहीं पाता, ऐसी उनकी आवाज़ थी सही में। उनको जिस तरह से बोला जाता है ना बुलबुल, है ना, इंडिया की बुलबुल ऐसा कहा जाता था। और हमने जब पहले उनका नात किया था ना, बेकस पे कदम कीजिए, या मुगले आजम मूवी के आप जितने भी सॉन्ग सुन लो, खास करके जो ये नात है बेकस पे कदम कीजिए, तो ये बहुत अच्छा लगा था। फर्स्ट टाइम शिवानी ने हमें वो पढ़ा था, फर्स्ट टाइम शिवानी ने, तो हाँ मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने फर्स्ट टाइम ही वो, नहीं फर्स्ट टाइम तो नहीं सुना था, सुना तो मैंने पहले भी था, लेकिन इतने गौर से मैंने तभी, मतलब इन फ्रंट ऑफ कैमरा फर्स्ट टाइम ही किया था। हाँ हाँ, पढ़ा था। लेकिन उनकी आवाज में ना पेट्रियोटिक सॉन्ग जितने मुझे पसंद है ना, बिल्कुल बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं वो, वंदे मातरम और भी बहुत मेरे वतन सारे के लोगों, बिल्कुल, बहुत बिल्कुल। सारे हैं पेट्रियोटिक, तो सच में ही वाकई में बंदा इमोशनल हो जाता है सुन के। बिल्कुल, मतलब मैं को याद है मेरे फादर तक सुनते थे, मेरे को लगता है इवन उनके भी फादर तक, मेरे दादा तक सुनते होंगे, कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के टाइम से वो गा रही हैं भाई। वो उन्होंने तो 1940 में गाने शायद शुरू कर दिए थे, तो तब तक तो दादा भी हमारे आराम से बड़े बच्चे थे जो, हाँ, बच्चे तो नहीं, बड़े थोड़े से बड़े तो होंगे, मतलब इतनी मिडिल एज में ही होंगे ना, टीनेज वाली एज। तो तीन जनरेशन को, इवन हम लगता है हमारे बाद जो, हमारी बाद जो जनरेशन आएगी वो भी सुनेगी, क्योंकि सुनेगी इनके सॉन्ग तो इतने 50-60 सॉन्ग हैं, सुनते ही रहेंगे, एवरग्रीन है सब। बिल्कुल बिल्कुल, तो चलते हैं गाइस, मिफ्ताही चैनल से थी ये वीडियो, आप इनके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कॉमेंट्स करें और शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।